हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं सिंगल के बेस के स्पीकर्स और यहां पे कैबिनेट। अब मैंने यहां पे काफ़ी लोगों से वादा ये करा हुआ था कि मैं आपको बजट रेंज में बर्ज क्वालिटी का मज़ा दूंगा और सिंगल में दूंगा, डबल में दूंगा, टॉप में दूंगा, सब में दूंगा और यहां पे क्वालिटी दूंगा। तो लीजिए दोस्तों, बर्ज प्लाई में कैबिनेट है सबसे पहली बात। स्पीकर की वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि हमारा स्पीकर है एनलेप्स का S18 1500 वाट का स्पीकर है, यानी ये स्कूप बेस है, हॉग स्कूप जो बेस है अभी आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा, बर्ज प्लाई में बनाई गई है। तो आज इसका पूरा फिटिंग कैसा बसता है, क्या है क्वालिटी, सारी चीज़ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कैबिनेट से पहले मैं आपको जो है वो स्पीकर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे स्पीकर हम कौन से यूज कर रहे हैं, पहले चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एनलेप्स का S18 यहाँ पे मेंशन करा हुआ है और 4 इंच यूएसकोलेस सिरामिक मैग्नेट और 1500 वाट इसकी RMS पावर और यहाँ पे 98 dB सेंसिटिविटी इस बॉक्स पे लिखा हुआ कंपनी ने। तो फटाफट से मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो फटाफट से और ये देख सकते हैं फिटिंग्स से लेके सारी डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको एक ही वीडियो में जो है क्लियर करूँगा। तो ये आ जाता है हमारा स्पीकर। तो ये स्पीकर की क्वालिटी देख सकते हैं बैक साइड और ये आ जाता है स्पीकर। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं अभी दूसरा निकाल के और इसको कैसे फिटिंग करेंगे कैबिनेट भी आपको उसके बाद दिखाता हूँ क्वालिटी। तो दोस्तों अब टाइम आता है यहाँ पे कैबिनेट का। तो कैबिनेट को मैं ओपन कर चुका हूँ, आपको सारी की सारी डिटेल जो है वो देता रहूँगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो कैबिनेट है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, कर्व थोड़ा सा रखा गया है स्पीकर को कुछ ऐसे करके। स्पीकर का जो मैग्नेट होगा वो अंदर रहेगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जो पेच है वो पेच वाला काम कर रहा है, पेच यानी जिप्सन वाला जो है वो नहीं लगाया, यहाँ पे पेच वाला कर रहा है। ये परमानेंट काम होता है, इस बात को हमको ध्यान देते हुए चला हमने, ताकि आप फ्यूचर में अगर आप स्पीकर जो है वो चेंज करते हैं, बार बार खोलते बंद करते हैं, तो वो जगह जो है वो ख़राब ना हो या फिर बुरा सा ना दिखे, इसलिए हमने जो है वो यहाँ पे करा है। बाकी बर्ज प्लाई का इसके अंदर यूज़ करा है। सामने टेपर पे जो है वो यहाँ पे सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सपोर्ट है। ऊपर जो है वो हैंडल आप देख सकते हैं, यहाँ पे हैंडल पे भी कवर लगा के दिया ताकि जो पानी वानी है, क्योंकि बर्ज रखने का मतलब यही है मेरा कि वाटरप्रूफ रहे, पानी चले जाए या फिर डस्ट चले जाए तो स्पीकर पे कोई भी यहाँ पे इंपैक्ट ना पहुँचे। बाकी स्पीकर जो है वो यहाँ पे मॉइस्चर प्रूफ रखने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप यहाँ पे जो देख सकते हैं फ्रेम पूरा बना रखा है इसको सपोर्ट देने के लिए। और गाइस पेंट की क्वालिटी अगर मैं आपसे दिखाना चाहूँगा तो पेंट आप यहाँ पे देखिए, ये पेंट है। मैं आपको एक बार करके भी एक बार कुछ ना कुछ दिखाई देता हूँ। ये देखिए ये हथौड़ी है और ठीक है ना, यहाँ पे अभी आप नज़र रखिएगा, ये देखिए कोई भी इसके अंदर आपको फ़र्क नहीं देखने को मिला है। पेंट ऐसे ही होना चाहिए जो टूटे ना, या फिर स्क्रैच पे ना लिख ले, पेंट ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे जब मैं बॉडी पे हथौड़ी ये मार रहा हूँ तब आपको उसकी आवाज़ से ही पता लग रहा होगा कि ये जो बॉडी है बिल्कुल कसी कसाई और यहाँ पे मजबूत बॉडी दी गई है। और क्वालिटी को आपको दिखाना था, बाकी मैं आपको ग्रिल भी दिखा देता हूँ। ग्रिल दोस्तों यहाँ पे ये SS की ग्रिल जो है वो रखी गई है, ये आप देख सकते हैं ये SS की ग्रिल जो है वो यहाँ पे हमने दी है। और ये जो कंपनी है वो ही यहाँ पे बनाती है ग्रिल को, ये मेड इन इंडिया, ये जो ग्रिल है ये मेड इन इंडिया की, कैबिनेट भी यहीं इंडिया में ही बनी है, इस बात का आपको ध्यान देना है। बर्ज जो है दोस्तों वो बाहर की है, इस बात का आपको ध्यान देना है। बर्ज खैर यहाँ पे इंडिया में तो अवेलेबल बनती नहीं है, बर्ज बनती तो है नहीं मैन्युफैक्चरिंग, ये बाहर से आती है बर्ज प्लाई। तो बर्ज जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट करी जाती है और उससे फिर यहाँ पे इस कैबिनेट को बनाया जाता है। और कैबिनेट क्वालिटी जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ। अभी यहाँ पे इसका जो बैक प्लेट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बैक प्लेट पे भी हमने जो है वो वायर कर चुके हैं। वायर का आपको ध्यान देना है, रेड वाली जो है वो यहाँ पे 1+ होती है, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, 1+ ही हो गई। और जो ब्लैक वाली होती है वो 1- होती है, आप देखिएगा 1- यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, ठीक है ना, 1- होती है। और ये यहाँ से इसको अटैच करके आ गई। तो ये जो है वो कनेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो स्पीकर्स का यूज़ करा। अगर एक से एक को आप पैच करते हैं तो वो सिंगल स्पीकर रखा है, तो एम्पलीफायर का आपके पास बड़ा हो या फिर एक चैनल जो है अगर आपको खाली छोड़ना हो तो एक से एक जो है वो आप पैच कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्पीकर को मैं इसके अंदर फिट करके दिखाता हूँ कैसा रहता है, सारी क्वालिटी देखते हैं। दूसरे यहाँ पे नाइट्रो प्लेट फिट करते हैं
और यहाँ पे मैं नंबर प्लेट को लगा देता हूँ। ये दोस्तों जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपको कंपनी से फिटेड मिलेंगी, इसमें आपको कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है। खैर ये मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो आपको आपके कैबिनेट या फिर आपके जो आप मटेरियल मंगाएंगे उसमें ये आपको ऐसे फिटिंग मिलेगा। तो आप रीचेक भी कर सकते हैं अगर आपको खोलना चाहें। चलिए मैं इसको प्लेट को जो है वो फिट करके मिलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अभी टाइम आता है स्पीकर का, तो स्पीकर जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं फिटिंग करता हूँ। ये अपनी वायर्स हैं, वायर्स के अंदर दोस्तों आपको ध्यान देखना है कि माइनस प्लस जो है वो आपको ध्यान से लगाने हैं। तो आपको स्पीकर ये देखिए बोल्ट्स वाला सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। बोल्ट से यानी पेच से जो है वो मैं इस पर टाइट करूँगा, तो इसको जो है पहले मैं रख लेता हूँ स्पीकर को। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था पेच का हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल टाइट फिट रहता है इससे। चलिए मैं इसको सारे को टाइट करके उसके बाद मिलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे फिटिंग हो चुकी है। ये कुछ इस टाइप से प्लेसमेंट होता है इसका, स्पीकर जो है वो इस टाइप से रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया मैग्नेट जो है वो अंदर की साइड रहता है, फ्रंट पे स्पीकर रहता है, और ये जो है वो पीछे से जो है उसका एयर पास रहता है। तो यहाँ पे भी जो है वो सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे टकराए ना बिल्कुल जाके, तो स्मूथ जो है वो आपको बेस की परफॉर्मेंस मिले। तो फिलहाल में तो ये कंप्लीट हो चुका है पेच का जो इतना भी काम करा गया। अभी टाइम आता है इसका ग्रिल का, तो मैं इस पर ग्रिल लगा के उसके बाद इसकी जो क्वालिटी है, एक पे मैं ग्रिल नहीं लगाऊंगा और एक पे ग्रिल लगा के, ताकि आपको पता लगता रहे कि स्पीकर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी टाइम आता है टेस्टिंग का, और टेस्टिंग के लिए मैं अपनी बेसों को लगा चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला था एक की ग्रिल हम खोल देंगे, तो एक की ग्रिल खोली हुई है और एक की ग्रिल लगा दी है। ऊपर हल्के से मेट के लिए हमने एक मॉनिटर दिया हुआ है। दो एम्पलीफायर यहाँ पे कनेक्ट है, एक पे सिर्फ और सिर्फ बेस है और एक पे एक चैनल पे सिर्फ मॉनिटर है। अभी मैं आपको इन बेस की क्वालिटी सुनाता हूँ। चलिए गाना प्ले करते हैं। दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग जरूर नीचे कमेंट बताना, और बाकी गाइज आपको कैसे लगा यहाँ पे कैबिनेट का क्वालिटी, स्पीकर क्वालिटी का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, और यहाँ पे इन कैबिनेट के साथ में कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो मुझे आप बताइएगा। बाकी के दोस्तों अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ, तो सिंगल में अगर हम देखते हैं सिंगल स्पीकर से, तो यहाँ पे क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट बताना कि आपको कैसी क्वालिटी लगी। बात करते हैं कि अवेलेबल कहाँ से होगा, तो ये शो हो रहा होगा आपको सारी की सारी डिटेल्स, ये व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर दोनों हैं, तो आप यहाँ से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहीं पे दोस्तों प्राइसिंग डिटेल, इसकी 45,000 रुपये के सिर्फ दो बेस, और आपको घर तक आपके पहुंचा दिया जाएगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहाँ पे या कुरियर सिस्टम है जिससे भी होगा आपको पहुंचा दिया जाएगा। बर्च में रखा है, यानी जो क्वालिटी है वो बर्च की है, इस बात का आपको ध्यान देना है। ये डिस्पैच सीधे आपके कंपनी से आपके पास पहुँचेगा, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे जिसका ट्रांसपोर्ट का चार्ज है वो एक्स्ट्रा होगा, डिपेंड करेगा वो आपके लोकेशन पर होगा।
पैकिंग का रही बात दोस्तों, मैं पैकिंग का एक छोटा सा क्लिप जो है वो यहाँ पे डाल दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला था कि कैबिनेट की पैकिंग और कुछ और डिटेल भी, तो कंपनी के पास से मेरे पास आता है यानी ये ऑर्डर पे आता है, देन आपके पास जाता है। तो ऐसे नहीं होगा, मैं अगर आप ऑर्डर करते हैं तो डायरेक्ट आपके पास जाएगा। और उससे पहले दोस्तों यहाँ पे पैकिंग मैं आपको दिखाने वाला, तो ये आप पैकिंग देख लीजिए, ये वुडन में रहता है पूरा, यहाँ पे पूरा पैकिंग ये वुडन में रहता है, नीचे आप देख सकते हैं। तो इससे क्या रहता है कि दोस्तों स्क्रैचेस से ये बचा रहेगा और आपके पास सेफ टू सेफ बिल्कुल वैसे पहुंच जाएगा। और इस बात का आपको ध्यान देना है, ये पैकिंग मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप कहीं और से भी परचेज करते हैं तो इस बात का आपको ध्यान देना है, ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको पैकिंग के ज़्यादा पैसे आप दे दीजिए लेकिन पैकिंग अच्छे से करवाइए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाले फेंकते सामान को ज़्यादा है। तो ये पैकिंग आप ऐसी आपको पैकिंग मिला करेगी, जब भी आप ये बेस मंगवाएंगे कोई प्रोडक्ट मंगवाएंगे तो आपको ऐसी पैकिंग मिलेगी। बाकी दोस्तों ये जो बिल था वो मैं दिखा चुका हूँ, और बाकी आपको ऐसी कुछ ट्रांसपोर्ट की स्लिप ऐसे कुछ मिलेगी, यहाँ पे ऐसी ट्रांसपोर्ट की स्लिप होती है, वी ट्रांस वीआरएल जो भी अवेलेबल होगा आपके एरिया में उससे भेज दिया जाएगा, जो भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगा उससे आपके पास भेज दिया जाएगा। बाकी दोस्तों ये पैकिंग मैंने आपको दिखा दी, होपफुली कि वीडियो पसंद आई होगी पूरी, तो लाइक कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।